इजिप्ट के अंदर जहाँ पब्लिक रहती है वहाँ रहती है, बाकी जगह पूरी जगह पर आर्मी का कब्जा है भाई। और सब जगह जहाँ भी खुदाई करते हैं वहीं खजाना मिलता है, सोना हीरे जवाहरात मिलते हैं। आप ये देख रहे हैं पूरा पूरा खुदा हुआ है। अब मैं आगे चल के दिखाता हूँ कुछ इस तरह के पिरामिड जहाँ खुदाई के बाद ना बहुत सारा सोना मिला है। पिरामिड्स के नाम से देखिए यहाँ पहुँच गए हैं भाई, और इतने सारे पिरामिड्स हैं यहाँ पर, एक अजब तरह का अलग तरह का पिरामिड्स के एंट्री करके दिखाता हूँ मैं किस तरह की चीज़ें अंदर बनी हुई हैं, कैसा है। 5,000 साल पुराना इतिहास है इनका, और इसको बनाने का तरीका आप देखेंगे ना इस तरह का। आप देखिए किस तरह के स्टोन को यूज़ किया गया है इसके अंदर। यहाँ पे देखेंगे आप इनकी फिनिशिंग, हाँ 5,000 साल पुराना, इसकी फिनिशिंग देखो बिल्कुल शाइनिंग अपने इंडिया के महलों में जैसे मिलती है वैसी तरह की शाइनिंग है बिल्कुल इसके ऊपर। ये देखिए यह एंटर किया है मैंने भाई, ये डोर भाई ऐसे पत्थर का बना हुआ दरवाजा भाई, कैसा कैसे पत्थर का दरवाजा आपने कभी देखा नहीं होगा इस तरह का। देखिए पत्थर का दरवाजा कैसे इसको बंद करते होंगे, कैसे इसको ओपन करते होंगे, ये देखिए ये देखिए। Used to be the roof, but it's 5,000 years old. When he built the column, Imhotep, no smart, only bullish, yeah. One after one. I do on my own. No, I'm taking you to the tombs, not here. Here is the entrance. But यहाँ पर देखें भाई इसका कुछ इस तरह से बना हुआ है टोम में एंट्रेंस करने के लिए, गजब तरह का। ये देखो कितनी मेहनत के बाद बनाया है इसको, ये देखिए। गजब कमाल, और यहीं से एंट्री होती पिरामिड्स के, जो सबसे फर्स्ट जो कैपिटल थी इजिप्ट की उस कैपिटल के पास में है ये, क्योंकि यहाँ ब्यूरियल एरिया पूरा का पूरा। ये देखो उसके बाद कुछ नज़र आएगा इस तरह का। ये देखो यहाँ हमने एंट्री किया भाई, और यहाँ पे आया है स्टेप पिरामिड, सामने दिख रहा है इस तरफ देखेंगे, और स्टेप पिरामिड का पूरा हिस्ट्री इसके ऊपर लिखा हुआ है कि किस तरह का बना हुआ है। ये देखो ये स्टेप पिरामिड का पूरा हिस्ट्री लिखा है, 2720 में इसको बनाया था भाई, थर्ड डायनेस्टी जब थी, फर्स्ट किंग ऑफ थर्ड डायनेस्टी। ये देखिए कोबरा का यहाँ पर भाई पूरा का पूरा फोटो बना रखा है, कोबरा स्नेक का सामने से आप देखेंगे, जैसे यहाँ के जो किंग थे ना उसका जो ऊपर जो ताज था, ताज के ऊपर भी कोबरा स्नेक दिखता है, वैसा ही कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। This is 28 meter deep only for the stomach for the King Joseph. You have the shaft over the mummy side for the pyramid. उस पिरामिड के अंदर जाने के लिए yes. यहीं से रास्ता बना हुआ देखो, only for the stomach for the king. इसके अंदर जाने का रास्ता यहाँ से इस स्टेप से। ये देखिए ये देखिए दिस इज सहारा एंड दिस इज लिबिया, लिबिया नाइजीरिया मरोक्को, दे गो दिस वे, या 2000 किलोमीटर गो टू सहारा, बिग सहारा। हाँ ये सहारा का पूरा भाई, ये जो है पिरामिड भाई ये पूरा ढैक है ना ये ख़त्म सा हो चुका, 4,000 साल पुराना है, और इससे पुराना जो है वो स्टेप पिरामिड है 5,000 साल पुराना है। और इसको देखेंगे भाई ये पूरा का पूरा एक तरह से जो ख़त्म सा हो चुका है, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है। ये देखिए इसका पूरा है हिस्ट्री यहाँ पे लिखा हुआ है, फनरी कॉम्प्लेक्स ऑफ किंग यूनस। दिस इज द ऑल द टेंपल दैट वेट इट ऑल द फैमिली फॉर द किंग ओनस, ये सारी फैमिली, टू बॉय वन गर्ल, द टूम्स फॉर द डॉटर फॉर द किंग ओनस, दिस ब्यूटीफुल कलर इनसाइड। ये देखो ये सारे उनके बच्चों का है भाई, ये टॉम में एंट्री करने के लिए इस तरफ पिरामिड में घुसने के लिए ये रास्ता बना हुआ है। ये देखो और इसके बारे में पूरा का पूरा इतिहास इसका यहाँ पे लिखा हुआ है। ख़त्म जैसा हो चुका है तो अंदर से कैसा दिखेगा वो मैं चल के दिखाता हूँ आपको, सारे के सारे इस तरह से यूनिक बने हुए हैं। ये देखो
भाई अंदर से बिल्कुल नए जैसा है ये, और पूरे के पूरे पांच तरह के पत्थर हैं, इस पर लोक लगा रखा है क्योंकि हम हो गए लेट अंदर आने से। ये देखो इस तरह से ऐसा कुछ बना हुआ है ये। यहाँ तो आवाज़ भी इको हो रही है क्योंकि बाकी जो टॉम थे उनमें आवाज़ इको नहीं हो रही थी, इसके अंदर इको हो रही है। इन जो पिरामिड के अंदर जो पत्थर लगाए ना भाई, ये पत्थर जो लाए गए थे यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, लक्सर एक जगह है, 3 दिन लगते थे इसको यहाँ पर लाने के लिए, और नील नदी के माध्यम से लाए जाते थे। ये देखिए ये जो स्टैंड हो, क्योंकि ये पत्थर यहाँ मिलते ही नहीं है, नील नदी के पास में एक पूरा का पूरा ये इस तरह का पत्थर मिलते हैं, वहीं से लाए गए पत्थर हैं सारे। ये देखो यहाँ पे सारे के सारे, ये अंकल है मेरे को बता रहे हैं सारा का सारा, इन्हीं के माध्यम से पूरी जानकारी मिल रही है। वैसे मैंने एक बुक भी लिया है, इस बुक के अंदर सारा लिखा भी है। देखो इसके अंदर भी आप देखेंगे ना भाई, नीचे जाने का रास्ता बना हुआ है। ये देखो इसके अंदर ऊपर से कवर्ड होता था, और ये रास्ते बना रखे हैं इनको नीचे पहुंचाने के लिए। ये देखो किंग थे यहाँ के, देखो ये किंग का यहाँ पे फोटो बना रखा है भाई इस तरह से, पूरे पत्थर पे कुरेद के, और ये सारे के सारे देखो ये पानी पीने का, इस तरह से पानी पीने का बना रखा है। ये डोर है, देखिए इस तरह के दरवाजे लगाते थे इनके सामने, और ये क्वीन है मतलब उनकी रानी है ये देखिए, और ये उनके 3 बच्चे, ये उनका लड़का, और आगे दिख रही है भाई उनकी लड़की, और एक तरफ इनकी लड़की ये है, ये तीनों के यहाँ डिजाइन बना रखे हैं। ये जो लड़के दिखाया था प्रिंसेस, उनका भाई यहाँ पे रखा गया था ताबूत टॉम उनका। तो यहाँ पे देखेंगे इस तरह, देखो ये फोटो यहाँ पे बनी हुई डिजाइन वगैरह कितनी सुंदर, इस तरह देखिए जैसे मछली पकड़ रहे हैं, ये देखिए फिशिंग, और भाई से मछलियाँ हैं, ये नाव के ऊपर बैठे हैं, नाव के ऊपर चल रहे हैं। देखो यहाँ पर भाई मैं इसके अंदर चल गई, इतनी सुंदर चित्रकारी पत्थर के ऊपर उकेर रखी है। ये देखो अभी मैं चलता हूँ, चल के दिखाता हूँ। ये देखो भाई मुर्गा पकड़ रखा है इन्होंने, और यहाँ पे कुछ ये देखो नाव बैठ के चल रहे हैं यहाँ पे इन्होंने, किसी ये और जानवर हैं, गाय जैसा दिख रहा है ये देखिए, और यहाँ पर भी ये लोग शिकार कर रहे हैं। ये देखो भाई इस तरफ से, और ये खेती बाड़ी कर रहे हैं देखो यहाँ पे ना, इसको गाय को पकड़ कर लेके जा रहे हैं, खेती के लिए यूज़ होती थी उसमें। ये देखिए ये देखिए भाई यहाँ ये डिजाइन आप देखेंगे, कलरफुल नेचुरल कलर जो हुआ करते थे पहले। ये देखो ये देखो भाई ये यहाँ पे देखिए कैसा, no es recta de perfil, es que hay un movimiento. ये देखो भाई एनिमल्स को काट रहे हैं, afilando un cuchillo. ये देखिए कलरफुल है पूरा का पूरा, और यहाँ आप देखें भाई इस तरह से पक्षी उक्षी सारे जानवर इसे दिखा रखे हैं, पूरे दर्शा रखे हैं। ये देखो ये देखिए भाई इस तरफ अंदर की तरफ चल के ऐसे चैम्बर्स बने हुए हैं, ये देखो इनके अंदर क्या होता है, उनका खाना पीना रखा जाता था मतलब।
खाना पीना रहने की चीज़ें और मतलब जो भी चीज़ें यूज होती डेली लाइफ में उन चीज़ों को रखा जाता था। उसके बाद में उनको यहीं इनके अंदर मम्मीज बना के रख दिया जाता था। ये प्रिंस सन ऑफ किंग नास्का है भाई, उसका क्या का अंदर बना हुआ वो देखते हैं। ये देखिए लड़के का जो बना हुआ है यहाँ पे, ये देखिए ऐसा करके ये देखिए इस तरफ से ऐसे, ये पूरी बड़ी डिजाइन के अंदर बना रखी है इस तरह से। और यहाँ भी ये चैम्बर जैसे बने हैं भाई, और ये पत्थर है पूरा मजबूत। यहाँ भी आपको काओ देखने को मिलेगी भाई। ये भाई टॉम ऑफ लिनेफोर्ट, चीफ जस्टिस एंड विजर, डायनेस्टी 5 की है भाई ये। और यहाँ पे अंदर घुसते आपको इस तरह से ये दिखेगा कुछ, ये देखिए look that way 2 3 this the music for the dancing a music बजा रहे, ये देखिए गा रहे हैं यहाँ पे म्यूजिक बजा रहे हैं। this is yeah, ये देखिए सिंगिंग का है मतलब ये गाने के लिए म्यूजिक के साथ में लय बनाने के लिए। ये मेन चैम्बर और ये इसका गेट हुआ है पूरा बड़ा, और उसी तरह की सेम फोटोज यहाँ पर भी हैं, चित्रकारी जो इसके ऊपर पत्थर के ऊपर जो समझो की तरह नक्काशी कर रखी है।